नमस्ते, आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो सीरीज लेके आई हूँ, 5 मिनट स्टॉक आइडिया। इस वीडियो में हम ऐसी कंपनीज को कवर करेंगे जो अपने बिजनेस में अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। हम पहले कंपनी के बिजनेस के बारे में ब्रीफली बात करेंगे, फिर आपको बताएंगे कि ऐसी क्या चीजें हैं जो हमें उस कंपनी की पसंद है और कुछ बातें जो हमें नहीं पसंद। इस वीडियो का मेन मोटिव है कि आपका प्रेशियस टाइम ज्यादा जाया किए बिना हम आपको एक अच्छे बिजनेस के बारे में क्रिस्प तरीके से समझाएं। इससे आपको ना सिर्फ ढेर सारे अलग अलग स्टॉक्स के बारे में पता लगेगा, बल्कि ये भी कि एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के स्टॉक में आप क्या क्या अलग अलग फैक्टर्स एनालाइज कर सकते हैं। आई नो, भला 5 मिनट में किसी कंपनी का कैसे एनालिसिस किया जा सकता है, मगर इस 5 से 6 मिनट के वीडियो को बनाने के लिए हमारी टीम घंटों रिसर्च करती है और फिर आपके लिए ये एनालिसिस तैयार करती है। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो इस सीरीज की शुरुआत हम करने वाले हैं एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के साथ, जिसका नाम है आवास फाइनेंसेस लिमिटेड। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये एक अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है जो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की सब्सिडरी के रूप में 2011 में शुरू हुई थी। अब भला ये HFCs या हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज क्या होती हैं? देखिए, अनलाइक बैंक्स जो हर तरह के लोन्स देते हैं, HFC सिर्फ हाउसिंग फाइनेंस पर ध्यान देते हैं, यानी कि ऐसे लोन्स जो आपको घर खरीदने या रेनोवेट करने के लिए चाहिए, और इसी वजह से वो स्पेशलाइज सर्विसेज और कस्टमाइज लोन ऑप्शंस भी प्रोवाइड कर पाते हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस का मार्केट इंडिया में काफ़ी अंडर पेनिट्रेटेड है। इतना ही नहीं, जिस मार्केट में आवास ऑपरेट करती है वहाँ तो सिर्फ 5% पेनिट्रेशन है। अब आप समझ ही सकते हैं कि कंपनी के ग्रोथ के लिए आगे रनवे काफ़ी लंबा है। आवास फाइनेंसर्स एक नीच मार्केट को कैटर करती है। वो ज़्यादातर उन कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करते हैं जो रूरल या सेमी अर्बन एरिया से हों और लोअर मिडिल इनकम सेगमेंट में बिलोंग करते हों। वैसे उनके मेजॉरिटी कस्टमर्स सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, और इनमें से कुछ तो ऐसे भी होते हैं जिनके पास अपना इनकम प्रूफ भी नहीं होता। अब इनको बड़े बैंक्स और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस तो सर्व करेंगे नहीं, और यहीं पे आता है आवास फाइनेंसर्स का रोल। शायद आवास की यही कस्टमर फ्रेंडली फिलॉसफी उनकी खासियत है। देखिए, एक बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी सिंपली एक जगह से पैसे उठाती है और उसे ज्यादा रेट पे लेंड करके प्रॉफिट कमाती है, करेक्ट? अब आवास जैसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज की क्रेडिट रेटिंग अच्छी होती है और वो इसे लेवरेज करके कम रेट पे अपने लेंडर से पैसे उठा सकती हैं, तो ऐसे में उनका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम हो जाएगा और प्रॉफिट मार्जिन इम्प्रूव हो जाएंगे। वेल, आवास का सोचना अलग है। आवास अपने बोरोअर्स की परिस्थिति को समझती है और इसलिए अपने लोअर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग का फायदा उन्हें भी पास ऑन करती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे जैसे उनका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम हो रहा है, वो उसका बेनिफिट अपने कस्टमर्स को भी पास ऑन करते हैं इन टर्म्स ऑफ लोअर लेंडिंग रेट्स। खुद ही देखिए, उनके स्प्रेड्स लास्ट 7 फाइनेंशियल ईयर से फ्लैटिश रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा तो हर कोई करता होगा, मगर नहीं, उनके क्लोज पीयर एप्टस से ही कंपेयर कर लेते हैं, जहां दोनों कंपनीज के कॉस्ट ऑफ बोरोइंग में 1% का फर्क है, वहीं लेंडिंग रेट्स में 4% का, यानी कि आवास लोअर रेट पे पैसा लेंड कर रहा है। और बात सही भी है, एक तरह से ये स्ट्रैटेजी कंपनी को आने वाले समय में मार्केट शेयर गेन करने में मदद कर सकती है। आवास फाइनेंसर्स के बिजनेस मॉडल की एक और स्ट्रॉन्ग चीज़ है उनका इन हाउस सोर्सिंग और एग्जीक्यूशन मॉडल। कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क और एक्सटेंसिव ब्रांच नेटवर्क है। अपने इसी यूनिक कस्टमर अप्रेजल मेथोडोलॉजी और स्ट्रॉन्ग बिजनेस एक्यूमेंट की वजह से आज आवास की ALM यानी कि एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट हेल्थी है, यानी कि सारे ही टाइम पीरियड्स के लिए उनके एसेट्स लाइबिलिटी से कंफर्टेबली हायर हैं, और इसका मतलब ये हुआ कि उनकी बैलेंस शीट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ALM या फिर एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अपने एसेट्स और कैश फ्लोज को इफेक्टिवली मैनेज करके अपनी लाइबिलिटीज को फुलफिल करते हैं। जितना एफिशिएंट उनका ALM, उतना बेहतर उनका रिस्क मैनेजमेंट। आवास के लिए एक और प्लस पॉइंट है, उनके नंबर्स कंसिस्टेंट और स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रिफ्लेक्ट कर रहे हैं डिस्पाइट बीइंग ओवर कॉशियस ऑन बोथ द एसेट एंड लाइबिलिटी साइड। Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 के कॉन कॉल में किसी ने पूछा कि क्या आवास फाइनेंसर्स का प्लान है दूसरे फी जनरेटिंग बिजनेसेस में एंटर करने का, तो इस पे कंपनी के CEO एंड MD सुशील अग्रवाल ने कहा कि उनका ऐसा कोई भी प्लान नहीं है और उनका फोकस हमेशा लेंडिंग बिजनेस पर रहेगा।
और उन्होंने अगले 10 से 15 सालों के लिए 20-25% ग्रोथ की कंफर्टेबल गाइडेंस भी दी है। लेकिन जिस तरह से हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह अगर किसी बिजनेस की स्ट्रेंथ है तो उनकी वीकनेस भी होती है। चलिए अब कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं कंपनी के बिजनेस के बारे में जो एज एन इन्वेस्टर हमें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। किसी भी लेंडिंग बिजनेस में सबसे ज़रूरी क्या होता है? वही ना कि उधारी के पैसे सूद समेत आपको वक्त पर मिल जाएं, राइट? अब पॉसिबल है कि बॉरोअर्स की स्थिति ऐसी हो कि वो टाइम पे पैसे ना चुका पाएं, इसलिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस नॉन परफॉर्मिंग लोन्स यानी कि डिफॉल्ट किए हुए लोन्स को मॉनिटर करने के लिए Stage 3 नाम के मेट्रिक का यूज करते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, आवास के Stage 3 लोन्स पिछले 4 quarters से राइज पर हैं। आने वाले समय में इन्वेस्टर्स के लिए आवास के Stage 3 नंबर्स एक की मॉनिटरेबल एस्पेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा आवास को एक्टर्स वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस, कैनफिन होम्स और होम फर्स्ट जैसी अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से टाइट कॉम्पिटिशन मिल रहा है। और फाइनली बात करते हैं आवास के वैल्यूएशन की। पोस्ट कोविड जब लो इंटरेस्ट का माहौल था, वो भी क्या दिन थे। एनीवेज, तो तब आवास ने 3037 रुपीस पर शेयर का टॉप टच किया था, जिसकी वजह से 2018 में लिस्ट होने के बाद इनका अगर एवरेज प्राइस टू बुक रेशियो देखें तो 5.1x है, जो कि काफी हायर साइट पर है। हाँ, ये बात जरूर है कि क्वालिटी कमांड्स प्रीमियम, लेकिन अगर किसी भी अनफोर्सीन डेवलपमेंट जैसे कि डीमोनेटाइजेशन या COVID-19 की वजह से कंपनी की ग्रोथ ऑफ टारगेट हो जाती है तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आवास के स्टॉक पर पड़ सकता है। आपको क्या लगता है, आवास फाइनेंसर्स के बिजनेस में और क्या स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हो सकती हैं? क्या आपके पोर्टफोलियो में कोई HFC है? स्टॉक का नाम और उसके रिटर्न्स हमें कमेंट्स में बताइए। क्या आपको हमारी ये नई सीरीज पसंद आई? इस सीरीज के आने वाले वीडियोस में अगर आप चाहते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर स्टॉक को कवर करें तो आप ऐसे 3 स्टॉक्स का नाम हमें कमेंट्स में बताइए। हम आपको याद दिला दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं और किसी भी तरह की कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मार्केट के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ग्रुप के चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.